और जी ये जेड़ा ना आखिरी फैसला कि ना ही मैं भाई की फैमिली जी ना अपने घर जी ना आन देवगा और ना ही मैं फैमिली समेत जरा ना उन्होंने घर जरा ना जावगा। रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दुआ कर मैं तमाम बहन जी जिते रहन खुश रहन बाद रहन ते हमेशा हंसते मुस्कुराते रहन अलहमदुल्ला मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। वीडियो शुरू करने पहले तमाम बहन भी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लो घंटे निशान दबाना बुलाया ताकि मैं हर नवी वीडियो तक आसानी पहुँच सके। अलहमदुल्ला यारहवीं शरीफ का जरा लंगर तकसीम करता माशाला और अज बहुत ही ज़्यादा जरा मैं खुश हाँ क्योंकि अलहमदुल्ला देखा तो जी पहले ही करी दी अल्लाह वास्ते तो यारहवीं शरीफ जी ने वंडी दी और अज माशाला पूरा पिंड जरा लंगर समझ लो तकसीम जरा किया अलहमदुल्ला जुमा शरीफ सी मस्जिद भी जरा चावलों की परात जी अलहमदुल्ला जी लैके गए और लंगर अलहमदुल्ला इन्नी बरकत पई आ कि पूरे गाँव ने अलहमदुल्ला मेरे वेखने तो पूरे गाँव ने ही जरा खा लिया क्योंकि उदू पिंड चू जए से वह भी लै गए और सारे जरा बर्तना मतलब कि एक प्लेट जरदे दी एक प्लेट पुला दी सारे खुश हो के जरा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जरा सारे पिंड जरा खुश हो और चावल जरा अलहमदुल्ला बने ही बहुत स्वाद आए लज़ात आए चावल बन पुला ही बहुत अच्छा बनया और जरदा भी जरा बहुत ही ज़्यादा जरा माशाल्लाह अच्छा बनया सी। तो दूसरा हूँ जरा तंदूर वगैरह भी क्ढन लगे और दूसरी ये गल है कि अज माशाल्लाह पहली दफ़ा जरा तूतों की छां हाली तो सघनी कोई नहीं आ लेकिन जरा तूतों की छां तो जरा अलहमदुल्ला जरा असं बैठे हैं नुमान साहब और जरा मेरे को फिर रहे हैं सलाम लो वालेकुम सलाम और बाकी बेगम साहब और जड़े ने गोरे मिट्टी तो बाकी मैनू हो गया अज बुखार बुखार सिर दर्द जरा बहुत ही जरा ज़्यादा पता नहीं क्यों आ दवाई वगैरह जी लाया वा कुछ पहले पई सी खुराक वो जी लै ली तबीयत ठीक होगी तो ठीक है नहीं तो फिर जाना शाम में जावे दवाई दो खुराक जी होर लैके जरा ना आ जावे मैं मिट्टी गो सी लेकिन बेगम ने कहना मिट्टी जी मैं गोल इस मजीद ज़्यादा बुखार हो गया जोर के चल किया आया था लेकिन मैं आख्या मिट्टी जी मैं गोल इस मिट्टी जी बेगम साहब और जो गोर है मैं जो तंदूर मूंगर वगैरह जो मारे क्योंकि मूंगर जो उधर रहा देगा जड़ियाँ माशाल्लाह पकवादा रहा इस करके मूंगर जरा तंदूर लगे सुक एक एक साइड धुप लगी रही है ना तो मैंने तकरीबन उधर दो तीन घंटे जो लग गए और इस तरह जरा मूंगर जरा किधरों किधरों जरा सुक गया लेकिन चलो कोई गल नहीं देगा जी हाले तक माशाल्लाह जी पईया ने नाराज साहब और उन्होंने कहा नाई नू भी शाम तो पहले जी देगा चक लिया उन्हें कहा जी चक लवान क्योंकि अंदर सोई देना बहरू देख कोई लै जाए तो 25-30 हज़ार रुपए की जी देगा मैं मेरे को जी बरी नहीं जाने इस करके दो कह रहा है कि मैं जरा इंशाल्लाह शाम तीकर जी चक लवाना तूत अलहमदुल्ला ग्रो जी बड़ी कर रहे हैं सारा टोटल जी फोटक फोटक जी चा ली ने दोवे तूतों ने अलहमदुल्ला जो फुट रहे हैं बाकी पिंड जरा माशाल्लाह मैं जो सारा जहाँ दिखा दी है इतने मोटा भी और इंशाल्लाह देखने घंटा डेढ़ अगर बुखार तो आराम दवाई वगैरह जी लई ने तो फिर जाने जाके दवाई जी लाने बेगम साहब ने मिट्टी जी सारी टोटल जी गो ली इतने जी क्योंकि मिट्टी है माशाल्लाह काफ़ी सारी और निजा अलीमा सादी जो लैन इतने बहर और बाकी तंदूरियां जी लिंब लिया रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम अदा करें मेरे बड़े मेरे जिते रहन खुश रहो तो हमेशा हंसते वसते रहन अल्लाह दी शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हां तो हुन मैं लिंबू तंदूर क्योंकि जे मिट्टी में मैं तो कहना मिट्टी गोई है तो तंदूर लिंब तंदूर और लिंब ना आन देवा लिंब लेनी का तो मंगरू लिंब लेन ठा हां हां पहले ने पहले आले ने काट लिए फिर हां पहले ले काट ले तो सुबह जाना हां मिट्टी फिर बोले सटो को ताडी तो नहीं आता ठीक मान चल फिर तू सिखा नुमान यार के ता जाकर काम तो सीखता करे कमाई कितना करना ते हुन तसी जड़े मिट्टी पट ले आ काम हो जासी ठीक हो गया और आले तंदूर जाने मगरू से लेम ले बाकी हुन जड़े ना सियाले कड़न लगे अभी तक इन दोबारा जड़े ना फिर लेम ले भी है इंशाल्लाह जी तो माशाल्लाह तंदूर जड़े ना सारे बाहर जड़े ना कड़ ले चार आए कड़े ने दो जड़े ना वो कड़े ने छह तंदूर जड़े ना बाहर कड़ ले और बेगम से बने एक तंदूर जड़े ना माशाल्लाह लेम भी लिया दूसरे मैं जड़े ना मसाला वगैरह जड़े ना लाता सारे तंदूरों ने टोटल जो मसाला वगैरह जो लाता मैं खून जड़ा ना इन्हों जो लिंब लें उस तो बाद जो मैं जी कुट ला मिट्टी मिट्टी जी कुट के जो बेह लें बेगम साहब और तंदूर लिंब लेंदे मैं जी मिट्टी कुट के बेह लें क्योंकि पहले जिन्हें जो छेक बठल जड़े ना वो मिट्टी से कुट के जड़े ना बेह लें रोटी सालन जो बनाना कोई नहीं चावल जड़े ने पैने दो चार प्लेटा वो जी मुकदियाँ ही ने हूँ भी खा लवेंगे सवेरे गर्म करके जो खा लवेंगे तो इंशाल्लाह तो इन्होंने याद करके काम शुरू करने जी माशाल्लाह मिट्टी का पूर जरा मैं खिलार लिया तो हूँ जरा सुन इन्होंने याद करके जरा कुटन लगे सात तो अठ पट्ठा जरा कुटने ने और तबीयत जी पहले ना ठीक आ हूँ जरा काम जो शुरू करने हाँ जी तो अलहमदुल्ला मिट्टी तो जरा दो पूर जरा दो बठलों जरा माशाल्लाह जरा कुट लेने हूँ जरा फाइनली दो बठल जरा चक के होर जरा कुट लेने कुकड़ी जड़ियाँ उत्ते ही खड़िया
और सूरज भी जेड़ा ना माशाल्लाह तकरीबन अद्धा घंटा जेड़ा ना रह गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी जेड़ी की ना बे लई और माशाल्लाह बेगम साहब ने जेड़ा तंदूर वगैरह जेड़ा ना काफी सारे जेड़ा कोंज ले और निजाफत में जूती चा के आ गई जूती जेड़ी ना पहनाओ और मैंने सारन पहले जेड़ी ना जूती पहना लवा निजा फातमा जुत्ती जी ने पहनाती। बाकी बेगम साहब तंदूर किन्ने लिंबे एक दो तीन चार पाँच छे तंदूर जेड़े ना माशाल्लाह उन्होंने लिंब ले और मैं भी जेड़ी ना मिट्टी कुट के जेड़ी ना अलहमदुल्ला जेड़ी की ना बे लिया और जी माशाल्लाह बाकी काम वगैरह जेड़ा सारा टोटल खत्म हो गया। दुध लेना सी दुध भी जेड़ा ना अलहमदुल्ला लैके जेड़ा ना मैं आ गया। दूसरा काफ़ी सारे बहन भाई जेड़े ना कह रहे सी कि इजाज़ भाई तुसी जेड़ा ना ना कभी किसी यूट्यूबर नु मतलब के बुलाया एडा खास तौर ना ही कभी जेड़ा तुसी किसी लगाए और एक भाई और जेड़ा ना काफ़ी सारा जेड़ा ना मतलब के मजबूर कर रहे हैं। मैं भाई और मन जेड़ा ना काफ़ी सारा जेड़ा ना किया जिमें कि पहले मैं एक दो विलाग तीन विलाग बल्कि जेड़ा ना इस चीज़ से बना चुके हैं कि ना मैं कि किसी ले भाई जान जानना तो ना ही जेड़ा ना मैं मतलब किसी नु आन देना। दूसरे नंबर तो गल हो गई तो ये गल आ कि ना ही जेड़ा ना मेरे को कोई वाफिर कमरा वगैरह या कोई ऐसी चीज़ आँगी विलाग वगैरह तुम देने अगर अपने आप ही जेड़ा ना तुम समझ जाओ तो बेहतर ही आ क्योंकि जेड़ा ना काफ़ी सारा देख फैमिली आ मतलब कि भाई और जी ना गलबात मेरी जी तकरीबन महीने तो जी हो लगी मैं भाई जान नहीं मैं तुम्हें जेड़ा किसी किस्म क्योंकि तुहाडा माशाल्लाह जेड़ा ना इन्ना ज़्यादा जेड़ा सफ़र आ तकरीबन जेड़ा ना मैं शहर का नाम तो नहीं लवागा लेकिन जेड़ा ना इतों 160-170 किलोमीटर जेड़ा ना उन्होंने सफ़र आ तो मतलब कि मैनू कहते हैं इजाज़ भाई तुम जेड़ा ना एक दो हफ्त वास्ते या तिना चौं दिन वास्ते कम अज़ कम जेड़ा ना साढ़े को तुम जेड़ा ना विद फैमिली आ जाओ या असी जेड़ा ना तिना चौं दिन वास्ते जेड़ा ना तुहाडे कोल आ सकने आ जाने लेकिन भाई और जेड़ा ना मैं साफ साफ मना किया लेकिन भाई और जेड़ा ना बहुत ज़्यादा जेड़ा ना तंग कर रहे हैं। लेकिन देखो मेरे नाल आया अगर तू प्रमोशन वगैरह ये कर की कह रहा है जेड़ा ना तुम भाई कर दो बड़ी मेहरबानी बच्चे दुआई देंगे ऐ होगा ये होगा वेखो रोज़ी पाक जेड़ा अल्लाह पाक जेड़ा रोज़ी जेड़ा ना देन आला अल्लाह तू मंगो। तो दूसरे नंबर पर गल आ कि मैं भाईजान इतना ना ही कोई मैंने यूट्यूब तो इन्नी ज़्यादा जी कि ना आमदन आँदी आ मतलब कि मेहनत मजदूरी जी ना करके खाने वाला बंदा मतलब कि वाद तो वाद ही मैंने व्यूज़ आते हैं चैनल पर 3,000 आ गया 4,000 आ गया 5 कोई वीडियो है 10वें 12वें दिन 10,000 व्यूज़ आ जाता नहीं तो यह क्योंकि विलाग वगैरह तुम दस दौ 3 to 4,000, 5,000, 3,000, 2,000, 2,500 इन्ने तक जेड़े ना मैं व्यूज़ आते हैं। तो मतलब कि अगर तुम प्रमोशन चाहते हो या तुम चाहते हो साढ़े चैनल ग्रो करें तो किसी व्डे यूट्यूबर टकरो क्योंकि हूँ वेखो ना तुम इन्ना सफ़र तो खर्चा करके आंदा खाली अगर गड्डी का तुम पेट्रोल वगैरह ही गिन लो ना वो ही 10 to 15,000 रुपये का जेड़ा ना खर्च हो जाना। तीसरे नंबर पर गल यह कि मैं जेड़ा ना भाईजान थोड़े को नहीं आ सकता ना मेरे कि गुंजाइश आ कि जेड़ा मैं मेहमानों को बुलावा या मैं खुद चला जावा गड्डियां करा के ना मेरे को इन्ना भाईजान को वाफिर पैसा ये भाईजान काम ने उन्होंने बंदियां दे जिन्हों को वाफिर पैसे ने ते पार्टियां वगैरह तो जशन वगैरह जेड़े ना कर लेंगे मेरे को जी ना भाईजान माजरत माफ़ी देना चाहना भाईजान तुहाडे कोल ना मैं तुहाडी फैमिली नूं जेड़ा ना इत्थे बुला सकना ना मैं विद फैमिली जेड़ा ना तुहाडे कोल आ सकना। अगर तुम भाईजान चैनल की प्रमोशन चाहते हो जो भी चाहते हो तुम भाईजान उस यूट्यूबर नूं टकरो जिंदे ना तुहानू कोई फायदा होवे तुसी खर्चा करते हो मतलब कि आन जान दा गड्डी दा तेल खर्चा उरा परा करते हो काम छा वगैरह जो छड़ के आंदे हो अगर किसी जाते हो तुहानू कोई फायदा होवे तो किसी भाईजान वड्डे यूट्यूबर टक्कर लो जिंदे मतलब कि सबसक्राइबर अच्छे खासे हो व्यूज़ अच्छे खासे हो मेरे ना तो सबसक्राइबर इन्ने ज़्यादा ने दूसरे नंबर पर गल ना ही मैंने कोई व्यूज़ वगैरह आते भी जो मेरे ना वीडियो बना के जाना कोई वायरल हो जाओगे क्योंकि मैं आप हाली तक वायरल नहीं हाँ इस करके जड़ा ना भाईजान मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर चुके हैं काफ़ी सारा दो तीन विलागों के जड़ा ना कि मैं जड़ा ना ना ही मेरा भाई किसी फैमिली नू जड़ा ना इत्थे बुला सकना ना ही मैं किसी फैमिली नू जड़ा ना मिलन जा सकना ना ही मेरे को इन्नी गुंजाइश ना मेरे को इन्ना वाह फिर पैसा क्योंकि हूँ वेखो मैं चला जावा मेरा कम अज़ कम जड़ा अगर जावा तो पिछले जड़ा ना कोई तंदूरों का नुकसान होगा। दूसरे नंबर पर यह गल है कोई 10-15-20 हज़ार रुपया जड़ा खर्च कर रहा वा गड्डिया के किराया ना मेरे को वाह फिर पैसा है और बेगम साहब होरी जड़ा ना दुध मैं लिया के रख दिता से उन्होंने अज अद्धा किलो जड़ा ना दिता गल कर रहा सी ने जेड़ो फैमिली वाले जड़ा ना बार बार फोर्स करते नहीं नहीं बुलाओ जी असं थोड़े को आ जाने भी ना तो साढ़े को इन्नी गुंजाइश आ ना असं तुम्हें अच्छी जगह से कितने बिठा सकते हैं। दूसरे नंबर तो इन्नी गुंजाइश नहीं आ हूँ तुम्हें इन्नी सफ़त बुलाइए बिरयानियाँ पकाइए गोश्त पकाइए मतलब कि हाँ सही गल है मेहमान नवाजी तो फिर करनी होंगी आ फिर अगर मेहमान नवाजी अच्छे तरीके ना करो फिर सारे बहन भाई कमेंट कर देन कि जाज भाई तुहाडे कोल मेहमान आ गए तुसी हां जी 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 बिल्कुल हूँ साढ़े को दो महीने पहले आए थे पाक पतन शरीफ तो जो मेहमान
दो आए सी अपना एक बाजी आई सी ते एक भाई जेड़ा ना आए सी साढ़े को साढ़े जो हो गया सी रोटी साला जेड़ा ना उन्होंने दिता सी आप रंगे गरीब बिरा सी उन्होंने सदा लिया घंटा दो बैठे जेड़ा कहना चले गए। मेरे को सिस्टम कोई नहीं आ के तीन चार दिन मैं इतने को फैमलिया रवा लवा या तीन चार फैमलिया जड़िया ना मैं अपने जेड़े ने पंजे जी असं उत्थे चले जाइए असी मेहनत मजदूरी जेड़े ने करा वाले हाँ जी। कमरा भी पाल भी है लेकिन जेड़ा नाली तक को माली हालात जेड़े ना साडे नहीं ठीक ने मेहमान बुलाने या पार्टियां करनिया ए पैसे वाले दा काम हाँ जी साडा भी दिल करदा कदी करांगे पैसे लेकिन जेड़ा ना फिर भी जेड़ा ना मैं जेड़ा ना फिलहाल तो जेड़ा ना किसी नु नहीं सकदा ते अल्लाह पाक होर मुजाज दे ते होर सदाल सा बुला सकने क्योंकि जो अल्हम्दुलिल्लाह कमरा वगैरह बन गया किचन बन गया अगू बरामदा वगैरह जेड़ा ना बन गया उस तो बाद जेड़ा ना कोई मेहमान वगैरह जेड़ा ना सदावांगे लेकिन फिर भी जेड़ा ना रात रहने वाला काम जेड़ा ना फिर भी नहीं होना क्योंकि आओ मिलो घंटा दो बैठो चले जाओ वह भी तीन चौं साल तिकर जेड़ा ना इस करके सारे बहन भाइयों को जेड़ा ना मैं माजरत चाहना अगर कोई मेरी गल बुरी लगी हो तो मैं तय दिल तो जेड़ा ना सारे बहन भाइयों को जेड़ी ना माफ़ी चाहना इस करके मैं किसी ने जेड़ा ना हाले तक जेड़ा ना नहीं बुला सकता क्योंकि बार बार बंदा जेड़ा ना वीडियो बनाता ही जेड़ा ना अच्छा नहीं लगता इस करके क्योंकि ये गल है भाईजान मेरे फायदे की नहीं है ये भाईजान गल है फायदे की। वेखो अगर तुम कुछ चैनल की जानकारी लेना चाहते हो वह भी तुम मेरे को नहीं लै सकते क्योंकि मैं अनपढ़ बंदा क्योंकि मैं तुम दस चुका कि मेरा चैनल ही कोई होर गाइड करता मतलब कि मैनू जेड़ा ना मतलब कि मैं सिंपल सामी सीधी जी जो दिल से गल होंगी ना वो जबान से जी आती है मेरे जो ही दिल चाहती उसते जेड़ा ना विलाग बन जाता कोई टॉपिक सोचे हुआ नहीं होंदा कोई कहानी नहीं सोची होंगी कोई गल नहीं होंगी कोई बात नहीं होंगी इस करके जो दिल चाहो बार मैं हर गल जी ने सारे तुहाडे भैन भाइयों ने जी ने शेयर कर देना भी कोई मतलब कि कल आंदा भी किसी को ना बुलाव कोई वीडियो खिलाफ बनावे जो रापर आंदा इस करके पहले ही जेड़ा ना मैं तुहाडे सारे भैन भाइयों ने हर गलबात जी ना टोटल जी ना शेयर कर देना। बाकी अलहमदुल्लाह बेगम साहब ने काम वगैरह जो काफ़ी सारा किया तंदूर भी लेंबले मिट्टी गोई भी उन्होंने आ मैं मिट्टी कुटी आ लेकिन हट के जी बेई मिट्टी होना वो इस करके क्योंकि मेरे हाथ जेड़ा लड़ चुके जी इतने इस संद उपर जेड़ा ना दिस नहीं रहा होना तुम्हें पता नहीं दमूह से की सी दमूह सी ना हूँ दरा हूँ जा हूँ जाके दरा जी ना रुकी आ अच्छा और भाई एक कमेंट भी आए थे कि जाज भाई तुसी जेड़ा ने किसी विलोक बारिश नु जेड़ा ना कढ दिता करो क्योंकि बारिश का सिलसिला इस करके शुरू होता बदल वगैरह जेड़े ने बन जाते जिम्मे कौन साइड जेड़े ने बदल वगैरह है हाँ जी 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 आ जुत्ती पहना भी फिर लाई खड़ी है चलो ठीक हो गया क्योंकि बदल वगैरह जिक्र इस करके होंगे मेरा जेड़ा ना सिस्टम जेड़ा ना यह जहाँ जिन्हें दिंदे तू पानी नु खतरा बनती भी मिट्टी सारी पानी है ना बाद जेड़ा ना पानी तू खतरा होंगे हाँ जी हाँ जी दुध लैके मैं आ गया अद्धा किलो मिलिया हाँ जी नहीं गुवाहाटी में गया ही कोई नहीं और देगा ना इन कई असं चक के जेड़े ने लै जाओ लेकिन नहीं लैके गया हूँ इन्हों के पहरे के मंजे इतने बहर पाना पवेगा प्रभु भी है तो सुनता लेकिन उत्थे किसी जेड़े ने नुक्कर लग जाने लुका छुपा के जेड़े रख देने अच्छे तरीके ने हाँ और दूसरा कमेंट अज आए थे मैनू तकरीबन जो उर्दू के तीन तू चार कमेंट आए थे कि तुम जेड़े ने बेगम ने चप्पल लैके दो या उन्होंने कहो चप्पल जी ने पहना के ना कटिया कर अंगारा वगैरह पैरां ते लग जांदा ते मजीद जेड़ा ना चलन फिरन तू जेड़ा ना तंग होवा हां जी और बच्चियां दी है कि निजा फातिमा नूं हुण मैं जेड़े दो दफा जुत्ती पहना चुके हां लेकिन जेड़ा ना बार बार ला के फिर जेड़ा ना आ जांदे नुमान है तो जैसा खेलन लगे जुत्ती जेड़ी की ना ला देंदा ते मैं हुण जेड़े दो दुबार लेन मुड़गला वो बाहर लेन लांदा थोड़ा है मैं तां नहीं पूछ लेनी हां जी चल ठीक है पूछ लो अच्छा या मैं जा मोटरसाइकिल जेड़ा ना मैं थे नहीं नहीं
क्या है घर देवन गया सामने घर क्या है भाई और ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਨਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੱਟਲਾ ਮੋੜ ਬਾਲਾ ਇਹ ਕੱਠੋ ਬਾਲ ਕੱਠੋ ਬਾਲ ਸਾਂ ਇਹ ਅਗਲਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੋ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਾ ਰਵੇਣਾ ਉਹ ਲੇਟ ਮਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣਾ ਚੁੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ और जी बाकी आज दे वाला विलाग भी जेड़ा ना इत्थे खत्म करने हैं इंशाल्लाह मिलने हैं स्नैक्स अच्छे अच्छे विलाग दे विच और अल्हम्दुलिल्लाह दवाई जेड़ी ना पहले ली एक्स्ट्रा जेड़ी ना पई सी पहले बुखार होया सी वो वाली दवाई जेड़ी ना पई हुई सी उनकी खुराक वगैरह जेड़ी लई है तबीयत जेड़ी माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो गया इस करके हुण शहर चक्कर लगा ना वैसे दो खुराकां जेड़ी ने बुखार दी जिसम दर्दां दी जेड़ी लै के सिर दर्द जेड़ी घरे रख लवांगे ताकि जेड़ा बंदे दी फिर तबीयत वगैरह जेड़ी ना खराब हुंदी आ ना ते बंदा जिवें कह जो बुखार वगैरह होया ने शहर जाना पैना सी काम रोक के ते खुराक लई तो अलहमदुल्ला जी बेहतर हो गया लेकिन बेगम साहब ने अज काम ही एडा मैंने नहीं करा दिता सिर्फ और सिर्फ जी मैं मिट्टी कुटी है या मुंगर मारे ने बाकी उन्हें मिट्टी गोई भी आ बेई भी आ दूसरे नंबर से गल तंदूर भी जो सारे उन्ने लिंबे ने मैंने उन्होंने काम वगैरह जो कोई नहीं करा दिता किसी किस्म का क्योंकि उन्होंने तबीयत ठीक ना हो मैं सारा करना मेरी जो थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो फिर जो बेगम साहब काम जो सारा जो संभाल लेंगे तो इंशाल्लाह और अगर कोई मेरा बैंड भी रब्ता करना चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम बने हुआ इजाज विलेज ब्लॉग के नाम से तुम उत्थे आ वॉइस मैसेज जरिए गलबात कर सकते हो और मैं फिर जरा एक बार कह देव कि सारे बैंड भाइयों को जरा ना मैं अगर कोई गलती कर बैठा हुआ या कोई गल बुरी लगी हो तो मैं जी माफ़ी चाहना इंशाल्लाह मिलने किसी नैक्स अच्छे तो अच्छे ब्लॉग के अपना ढेर सारा ख्याल रखा जे दुआ में याद रखा जे अल्लाह हाफिज़।